मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सैयद और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से मुंबई में स्लम मुक्त करने का काम चल रहा है, विकास का काम चल रहा है, डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो वही डेवलपमेंट की आड़ में लोग भ्रष्टाचार करने पर भी उतारू है। कहीं ना कहीं जो बिल्डर होते हैं वे डेवलपमेंट के नाम पे भ्रष्टाचार करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वडाला के शांति नगर में। 500 परिवार यहाँ रहते हुए हैं, लगभग 20,000 की घनी आबादी है। 2 किलोमीटर में फैला हुआ ये एरिया है। यहाँ पर भी डेवलपमेंट के नाम पे जो बिल्डर है मौजूदा यहाँ पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जो यहाँ के जागरूक लोग हैं वे इसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने 4 बार इसका काम रोक चुका है। आइए इनसे बात करते हैं तफसील से और जानते हैं किस तरीके से बिल्डर के भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने की इनकी कोशिश जारी है। क्या कुछ कहेंगे जो बिल्डर यहाँ पर आपके इधर मौजूद आप लोगों ने लाए हैं, क्या कहेंगे? आपका नाम बताइएगा पहले। रशीदुल हसन खान। रशीदुल हसन जी, ये बताइएगा जो बिल्डर यहाँ आए हैं, आप लोग काम क्यों नहीं करने, विकास का काम क्यों नहीं करने जा रहे? वो काम जो किए वहाँ तोड़े उसको दिए नहीं, वो बाजू रोड के वो बाजू, अभी तक वो लोग पब्लिक परेशान है। हमारे इधर मनमोहन पाल के उधर बिल्डर आए तो उधर आके 5 आदमी को लेके ले लिए, बाकी एरिया के कोई नहीं सलाह ना कुछ नहीं, ने कैसे टेन स्टैम्प बनाएंगे, कैसा क्या किसको करेंगे, कितना कितना एरिया का रूम देंगे, ये सब कोई बात ही नहीं। कोई मीटिंग है नहीं, कोई जनरल मीटिंग है नहीं, तो जनरल मीटिंग लेना चाहिए। 5 आदमी को लेके साइन करवा लिए, अपनी मनमानी कर रहे। 5 आदमी क्या बिल्डिंग बनाएंगे, 5 आदमी क्या क्या घर सर्वे होएगा, ऐसा कहीं होता है क्या? ये लोग मनमोहन पाल का इन लोग का मनमानी है ये लोग। अरे ना किसी की जरूरत है, तुम सबको घर के बदलम घर दो, रहने का वतन सबको चाहिए, सब कहाँ जाएंगे? वो बाजू को लोग परेशान है, उसको बना के दिए नहीं, उसको पहले बना के दो सारे में, फिर इसके इधर बनाओ। ये पूरे एरिया में जो शांति नगर है, कितना परिवार यहाँ पर रहता है, कितनी आबादी है यहाँ पर? 20,000 आदमी है करीब, 20,000 से ज्यादा होंगे। तो आप लोगों का यानी जो यहाँ के रहवासी है उनसे कभी कोई बातचीत नहीं हुआ, सिर्फ कमेटी के जो मेंबर उनसे बातचीत होती है? हाँ, काले कमेटी वाले भी नहीं पूछते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं, उनके पास आ जाते हैं और वो अपनी मनमानी करके वो चले जाते हैं, क्या ऐसा होता है क्या? कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं जो बिल्डर और कमेटी की साठ गांठ के उससे जो रहवासी है उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है जो बिल्डर होता है वे बड़े बड़े दावे करता है मगर कहीं ना कहीं उसमें असफल जरूर नजर आता है ना? तो इसीलिए आप लोग को बिल्डर को यहाँ पर विकास करने नहीं दे रहे, क्योंकि आप लोग को जो फ्यूचर है वो साफ नजर आ रहा है कि ये बिल्डर आप लोग का घर तो तोड़वा देगा मगर आप लोग को फिर बेघर कर देगा, बेघर कर देगा, यही होगा, यही होगा। वो पहले जो किए तोड़े है उसको तो बना के दो, फिर हम लोग देखें कि हमारा बना के दिए, हमारा वतन तोड़ दिया। पहले बिल्डर का नाम क्या है? ये बिल्डर का नाम है सुपर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हरबन सिंह करके मतलब बिल्डर है, जो इसने यहाँ पे पूरा पूरे वडाला के अंदर उसको न्यू वडाला बनाना था, उसने वडाला के अंदर 35 सोसाइटीज को लिया था और प्रोजेक्ट अप्रोक्सीमेटली 50 एकर्स का प्रोजेक्ट पूरा उसने यहाँ से लेकर भारतीय कमला नगर विजयनगर तक का पूरा एरिया लिया था। उसके अंदर एक भी सोसाइटी उसने डेवलप नहीं की, सिर्फ एनेक्चर 2 बने, LOI निकालता है और FSI आते के बाद में FSI पेपर पे भेज देता है वो, और उसी से ही पैसा कमाता है। फिर यहाँ पे 4-5 लोगों को उन्होंने बनाया हुआ सोसाइटी के अंदर, उन्हीं लोगों को पैसा देता है। फिर यहाँ पे लोगों को ये नहीं मालूम कि डॉक्यूमेंट देना क्या है, सर्वे पौती देना है, लाइट बिल देना है, क्या देना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं। जिस तरह से हम NRC में परेशान है उससे SRA के अंदर भी परेशान है, हमारे पास कुछ भी नहीं है डॉक्यूमेंट देने के लिए। डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट बोल रही है कि 2011 तक का पास करे, मगर वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर, उसमें 8 से 10 लाख रुपया टेनेंट को भरना पड़ेगा। टेनेंट एक बार स्कीम में गया तो वो तो उसको जेब से भरना है ना, गवर्नमेंट तो लोन देगी नहीं। पैसे वाले को अगर कार लेना है तो लोन मिल जाएगा, मगर गरीब आदमी को साइकिल पे लोन नहीं है, ठीक है? तो यही पूरी रणनीति है, इसकी वजह से पब्लिक यहाँ विरोध कर रही है कि भाई आप अपने जो आपका जो पार्टनर है जो पीछे है पर्दे के पीछे, वो तो शो करो कि कौन है, बनाएगा कौन, डेवलप कौन करेगा। इसी वजह से लोग विरोध में कि ये बिल्डर 35 सोसाइटी नहीं बना पाया तो ये 5 क्या बनाएगा। यहाँ पर जितने लोग हैं, जितने भी परिवार, सभी विरोध कर रहे हैं या आप 5-10 लोग? नहीं नहीं, सभी लोग विरोध कर रहे हैं, यहाँ से लेकर कमला नगर तक लोग विरोध कर रहे हैं उसको, हर जगह पे। यहाँ पे अभी जो है 13 के तहत उसको जो है चेंज ऑफ डेवलपर का भी उसके अंदर प्रपोजल डाला हुआ है। उससे पहले भी हमने वो नोटिस भी दिया था कि आपको भेजा भी है व्हाट्सएप पे कि मतलब उसमें कितने बिल्डरों को जो है CEO ने निकाल दिया है इसके अंदर से, प्रोजेक्ट के अंदर से। आप एक चीज में आपसे, आपका नाम बताइए। मेरा नाम रुकैया शेख है।
जी ये बताइएगा, जो बिल्डर लगातार भ्रष्टाचार करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इस पे लगाम जरूर लगाने में सफल हो पा रहे हैं, मगर आने वाले वक्त में जो ये किसके संरक्षण से इस तरीके का जो लगाम लगातार, क्योंकि इस पे रोक नहीं लग रही है, मगर आप लोग लगातार रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? मैं ये कहूंगी उनके पास पैसा है और वो नेता है, वो नेता का दिमाग, वो अपना नेतागिरी का दिमाग लगाते हैं। हाईवे के उस तरफ तोड़ा उन्होंने 156 घर, वो था आज तक किसी को बना के नहीं, गदर बदर कर दिया लोगों को, इस 13 साल हो गया तोड़ के, और उसके बाद में यहाँ का विकास करने आए हैं। पहले वो वहाँ का विकास करेंगे, फिर बाद में यहाँ का विकास करने का हो उनको, समझे? उस बिल्डर को भी तो आप ही लोग यहाँ लाए होंगे ना? पब्लिक ने लाई, विकास के लिए लाई, और ये विनाश के लिए नहीं लाया हम लोग ने उनको, ये विनाश 17 साल में उन्होंने क्या काम किया। हर तीसरे साल आते हैं सर्वे करके जाते हैं, हर तीसरे साल आते सर्वे करके आते, मतलब ये सब हम लोग कठपुतली है, जैसा नचाएंगे ऐसा नाचेंगे हम लोग। हम लोग क्या, हम लोगों की वजूद नहीं है क्या? हम लोग यही झोपा पट्टी में सड़ेंगे मरेंगे यही पे? हम लोग ने भी सोचा था कि भाई अच्छा घर मिले, बच्चे हम लोग के बच्चों की लाइफ अच्छी हो, बिल्डिंग में जाएंगे, लेकिन इन्होंने तो पूरा एकदम मेरा घर करके रख दिया पूरा 17 सालों में। ना ही दूसरे बिल्डर छोड़ के, दूसरे बिल्डर छोड़ो, तुम तो काम करो, फिर यहाँ आओ, हम लोग तुमको एक्सेप्ट करेंगे, पहले वहाँ पर कुछ करो, हमारा ये कहना है। यानी आपका ये कहना है कि बिल्डर का अभी एक भी प्रोजेक्ट सफल नहीं हो पाया, इसलिए आप लोग को अब डाउटफुल हो रहे हैं? वो यहाँ नहीं कर पाएंगे, हमको ये डाउटफुल के एकदम फाइनल। हम लोग इस बिल्डर के खिलाफ आप लोगों ने कुछ एप्लीकेशन अर्जी, हमने लेटर डाला है 5 जगह, और हमारे कई सोसाइटी वालों ने, हर मतलब मोहल्ले के सोसाइटी वालों ने डाला है, बोले क्लस्टर सर्वे है, क्लस्टर सर्वे है, तो ये बंद, ये दो दो उनके जो सेवा सेवकार्य है राजा साहू और शमसुल हक, ये घर घर जाके विरोधियों को चुप बिठा रहे, मत निकलना तुम, मत सर्वे रोकना, ये करना, तो ये क्यों आ रहे बिल्डर के लिए, क्यों आ रहे हैं भाई? हमारा ये बोलने का मतलब है, यानी अगर ये गवर्नमेंट कलेक्टर सर्वे है तो इसमें सर्वे ने, कलेक्टर सर्वे हम लोग का हो चुका, ये खुद हरबंस सिंह ने लाया ये सर्वे। अच्छा। और पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा घर महाड़ा में चला जाएगा। ऐसा कैसा महाड़ा में चला जाता है कि महाड़ा में घर नहीं मिलता है? ऐसे बिल्डर के देने से अच्छा महाड़ा में जाना पसंद करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्डर नहीं चाहिए हम लोगों को। तो अभी आप लोग का अगला स्टेप क्या रहेगा अगर बिल्डर नहीं सुनता तो? हम लोग कानून, अभी हम लोग ने आपके जरिए कानून मतलब अधिकारियों तक बात पहुंचाने की कोशिश करी, अगर वहां से भी सुनवाई नहीं होगी तो फिर पब्लिक कुछ भी कर सकती है, सर्वे तो रोक लेंगे इंशाल्लाह। नहीं, एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि बिल्डर को किसका संरक्षण है, क्या लगता है? वो क्या बोलेंगे उनको, तो उनके पास पैसा, पैसे के अलावा, क्योंकि पैसा तो हर जगह काम नहीं आता, बड़े नेताओं का सपोर्ट होगा, किस पार्टी के? जैसे अभी हमारे, क्योंकि वो खुद डेविड फर्नांडिस, क्या बोलते हो, देवेंद्र फर्नांडिस ने अभी जो है ये देवेंद्र फर्नांडिस के पास पिछले महीने गए थे और उनके पास उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि मैं मुंबई को स्लम फ्री बनाऊंगा करके 10 साल के अंदर, और उनकी जो सोसाइटी रद्द हुई है उनको वापस रीबिल्ड रिस्टोर करने के लिए उन्होंने बात रखी है, ठीक है, मगर यह है कि वो उससे काम नहीं होने वाला है, ठीक है। पब्लिक जब जब कंसर्न नहीं दे रही है, क्योंकि सारे की स्कीम होती है वेलफेयर के लिए, स्लम ड्वेलर्स के लिए होती है, बिल्डर के लिए नहीं होती है, ठीक है। यहाँ स्लम ड्वेलर्स की बात ही नहीं हो रही है, बिल्डर वहां से न्यू बॉम्बे से आते हैं और यहाँ पे लोगों का जो है बिना किसी के साइन भी लिए अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, इस तरह से काम हो रहा है। पांच सोसाइटी वाले घर में बैठ के और बिल्डर के पास ऑफिस में बैठ के खुद ही डिसीजन लेते, दूसरे को किसी को बताते नहीं कि क्या हो रहा है, पब्लिक में जनरल मीटिंग नहीं है, पब्लिक को मालूम नहीं है कि हाँ सर्वे होने वाला, लगा दिए नोटिस कि हाँ सर्वे होने वाला है, ये क्या बात होती है? बिल्डर की तरह 15 साल से तो बिल्डर गायब है। यहाँ पे किसी का भी एक भी ऑफिस यहाँ पे सोसाइटी का नहीं है, ना बिल्डर का ऑफिस है, 15 साल हो गया, तो पब्लिक किसके पास जाएगी, किसको ट्रस्ट करेगी? न्यू बॉम्बे तो जाएगी नहीं बार बार यहाँ से। आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि हमने जो डिपार्टमेंट को लेटर दिया है उनसे अब बात करेंगे, ठीक है, और जो सर्वेयर ऑफिसर है हमारे यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर गुजर साहब, उनसे भी बात करेंगे कि मतलब पहली बात तो अभी जो है वैकेशन चालू है, इसमें आप सर्वे अभी टालो, ठीक है, उसके बाद में हम बिल्डर से भी बात करेंगे, भाई आप जनरल मीटिंग लो और सोसाइटीज के अंदर जो 20-20 साल से बैठे हुए उनको हटाओ वहां से, जो डेवलपमेंट नहीं कर सकते, और आप अपना पार्टनर दिखाओ कि कौन किसके साथ में आप डेवलपमेंट कर सकते, हम उसका बैकग्राउंड देखेंगे कि भाई वो बिल्डर बना सकेगा कि नहीं बना सकेगा, कि वो पता चला चीटर जैसा अडानी जैसा खाली पेपर पे वर्क होगा और यहाँ से ब्लूड भर के जरा उसका भी बुआरा फुड़िया, ठीक है,
तो यहाँ पे गरीब है, एक ही घर पे रह रहे हैं यहाँ पे, और दूसरा उनके घर पास घर नहीं है। एशियम नहीं हुआ था 5 साल से, एक ही सोसाइटी एशियम अभी तक नहीं हुआ यहाँ पे, किसी सोसाइटी का इलेक्शन नहीं हुए, एक ही सोसाइटी मनमानी कर रही है, इनकी दादागिरी इनकी दबंगगिरी है सबकी, समझे ना। अब पब्लिक बोलने जाएगी, अगर पब्लिक निकले कि हम नहीं आएंगे तो बोले तुमको घर चाहिए क्या, नहीं हम लोग अगर तुम लोग ऐसा नहीं ऐसा करेंगे तो तुमको घर नहीं देंगे, डायरेक्ट लोग दादागिरी से बात करते, समझे। तो आपको बता दें, जिस तरीके से पूरे मुंबई में डेवलपमेंट के नाम पे भ्रष्टाचार चल रहा है बिल्डर द्वारा, कहीं ना कहीं इस पे लगाम जरूर लगना चाहिए, और देखना ये रहेगा कि आने वाले दिनों में प्रशासन इनकी मांगे को किस तरीके से पूरा करता है। कैमरा पर्सन नेहा शिक्या, जैन सिंह, मुंबई टीवी, शांति नगर, वडाला।